हेलो दोस्तों, ये एक CS कंपनी का DMPR है, ठीक है। तो इसका आज हम लोग एडवांस सीटिंग करेंगे। एडवांस सीटिंग में देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो इसके लिए इंटर लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, फिर प्रोग्राम मोड में लाना पड़ेगा। प्रोग्राम 200 P200 में जाना पड़ेगा। वो इसका आपका एडवांस सीटिंग है। ये सर क्या नाम है इसका? एंटर किए, ये एडवांस आ गया, ठीक है। एडवांस आने के बाद P200, ठीक है, एंटर किए, एडवांस किए, एडवांस आ गया। फिर एंटर करना पड़ेगा। ये शॉर्ट सर्किट डिटेक्शन टाइम है, ठीक है, मतलब शॉर्ट सर्किट को आप डिटेक्ट करेगा। ये हम लोग रनिंग कंडीशन में कर सकते हैं और ऑन कंडीशन में कर सकते हैं, ठीक है। जब मोटर रनिंग हो रहा है तब शॉर्ट सर्किट डिटेक्ट करेगा, या जब मोटर चल रहा है तब डिटेक्ट करेगा। ये सिलेक्शन आपके ऊपर है। मान लीजिए मोटर चलेगा तभी शॉर्ट सर्किट डिटेक्शन स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब आ रहे हैं, ये हो गया आपका फेज रिवर्सल का, ठीक है। फेज रिवर्सल डिटेक्शन स्टेज, फेज अगर रिवर्सल हो जाएगा उसका स्टेज, जब रनिंग होगा तब ना, जब ऑन होगा मोटर तब ना, जब रन होगा तब डिटेक्शन करना है फोर फेज रिवर्सल, ठीक है। तो ये कर देता रनिंग में। अब आएगा आर्थ, जो आर्थ फॉल्ट होता है उसका टाइमिंग सेटिंग, ठीक है। आर्थ फॉल्ट का टाइमिंग सेटिंग, तो मान लीजिए हम लोग 5 सेकंड कर दिए इसको, बस 7 सेकंड कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया आर्थ फॉल्ट का टाइमिंग सेटिंग। इसके बाद आ गया आपका टाइप। टाइप मतलब मोटर 3 फेज है ना, सिंगल फेज है, ठीक है। ये हम लोग सिंगल 3 फेज में लगाएंगे, इसलिए हम लोग इसका सेटिंग 3 फेज कर दिए। अगर आपको सिंगल फेज में करना है तो ये कर सकते हैं, ठीक है। 3 फेज में हम लोग को करना है तो एंटर कर दिए, बैक आ गया, मोटर का टाइप हो गया। ये स्क्रॉल करेगा LED में, ये स्क्रॉल करते रहेगा, ये LED में स्क्रॉल करेगा कि नहीं करेगा उसका सिलेक्शन, ऑन या ऑफ हमको स्क्रॉल करवाना है, इसलिए ऑन कंडीशन में रखेंगे। यस करके एंटर करना पड़ेगा। तो बस आज के वीडियो में इतना है।